भूषण चरण सिंह कह रहे हैं क्या पैर पकड़वाना चाह रहे हैं, ये कहलवाना चाह रहे हैं कि पैर पकड़ के खिलाड़ियों के ब्रजभूषण चरण सिंह कहें कि हाँ मैं अपराधी हूं, वो कह रहे हैं मैं ये नहीं करने वाला। ने ये कहा कि जिसके खिलाफ धरने चल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे लिखे हो, क्या देश में कोई और आदमी है कि जो आपके चैनल पे जिसके खिलाफ मुकदमे हो वो आपके चैनल पाता हो? एक आदमी बता दो। मतलब आप कहीं के प्रेशर में और क्या करिए, आपके माध्यम से देश को क्या दिखाना चाहते हो आप लोग? नहीं नहीं सर, ये मतलब आप थोड़ी तय करेंगे कि कौन अपनी बात रख सकता है कौन नहीं रख सकता है। नहीं, देश में कोई इमरजेंसी थोड़ी लगी हुई है, कोई काला कानून थोड़ी है सर, सबको अपनी बात रखने की आजादी है। एडवोकेट आप जज लगे हो देश में, आप जज लगे हो देश में, पूरे चैनल वाले उनका प्रचार कर रहे हैं, आप जस्टिस लगे हो देश में, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा दर्ज है और आप उनकी पैरवाई कर रहे हैं। सरकार बयान देना उस पे कि देश में ये कानून नहीं है, देश में जिसके खिलाफ हम चाहेंगे उसको गिरफ्तार करेंगे, देना सरकार बयान। आप प्रचार कर रहे हो, मतलब आप हमारी तो ये समझ में नहीं आया कि टीवी वालों को हो क्या गया? नहीं नहीं टिकैत साहब, मुझे लगता है आप को तो कलयुग का भगवान मानते थे टीवी को। टिकैत साहब भगवान मत मानिए किसी को, टिकैत साहब किसी को भगवान मत मानिए, ये देश जो है वो संविधान से चलता है, संविधान ही इस देश की सबसे पवित्र किताब है, आप उसी को आप भगवान मानिए, किसी और को आप भगवान मानने की बात मत करिए, टीवी वालों को कतई भगवान मत मानिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप फर्क नहीं समझ पा रहे हैं क्या पक्ष रखने और प्रचार करने में? यहाँ कोई प्रचार नहीं किया जा रहा है, ये पक्ष है और उनका पक्ष भी रख रहे हैं सामने और आपका पक्ष भी सामने रख रहे हैं और जंतर मंतर पर जाकर खिलाड़ियों से बात करके उनका पक्ष भी रख रहे हैं। जो आप अभी देख रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग को, जो दिबांग बात कर रहे हैं ब्रजभूषण चरण सिंह से, वही दिबांग जंतर मंतर पर जाकर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक से भी बात कर रहे हैं और उनका पक्ष भी देश के सामने रख रहे हैं। हम अपना काम जानते हैं, हम अपना काम सही से करते हैं, हमें हमारा काम मत सिखाइए। आप मुझे बताइए कि हल कैसे निकलेगा, हल कैसे निकलेगा, इस जिद का अंत कैसे होगा? हल निकलेगा, समाधान ये निकलेगा कि यह तो पहले भी किसी गिरफ्तारी हुई है तो सरकार ये कहे कि नहीं पहले गिरफ्तारी हुई वो गलत हुई, या कहे का दादाज ले आए कि भाई गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच के बाद गिरफ्तारी होगी, तो हम उनको भी कह देंगे भाई जांच के बाद गिरफ्तारी होगी, निकल जाएगा। सर गिरफ्तारी से पहले एक 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 शब्द है जो आप मिस कर रहे हैं, बार बार जिस तरफ मैं आपका ध्यान दिला रही हूं, और वो शब्द है प्रक्रिया का, प्रोसेस का, जो कहा जा रहा है जांचकर्ता की तरफ से कि साहब जब प्रक्रिया होगी और प्रक्रिया के अनुरूप गिरफ्तारी कर ली जाएगी अगर नौबत आएगी तो, आप ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि दूसरी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है? जाते हैं बोलने से कोई वो थोड़ा हो जाएगा, हमने ये कहा कि आप उसको प्रक्रिया करें, हम उसको जांच करें। प्रक्रिया क्या पहले किसी केस में प्रक्रिया से पहले गिरफ्तारी नहीं हुई, सरकार इसका एफिडेविट देते हैं, ये पुलिस देते हैं, ठीक है, या ये दे दे कि आगे प्रक्रिया के पहले किसी गिरफ्तारी नहीं होगी, आप वो लिखवा के दे दो, दो चीजों में दे दो आप। बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, लगातार नाम मोदी सरकार का नहीं ले रहे थे, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार कहकर, लेकिन निशाने पर लगातार मोदी सरकार थी राकेश टिकैत के, और बार बार सवाल इस बात को लेकर उठा रहे थे कि जब FIR पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है तो फिर गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं, यही वो सवाल है जो बेचैन कर रहा है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।